अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 4 है मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बारे में। और डेल्टा S1 सीरीज़ का ये लेसन है हमारा। इसमें लेसन नंबर 4 के अंदर आज हम फ्रीक्वेंसी की सेटिंग को सीखेंगे और जानेंगे किस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें जो पैरामीटर कुछ देखना है, वो तो पैरामीटर 100 है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पैरामीटर 100 ये मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, यानी हम चाहते हैं कि हमारा इन्वर्टर एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा आगे ना जाए, तो हम उस फ्रीक्वेंसी को सेट कर देते हैं, तो इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी सेट करने का मतलब ये कि हमारी मोटर ज़्यादा स्पीड पर चले तो कोई मशीन में कोई और फॉल्ट ना आ जाए, तो एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दी जाती है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यही है, इससे ज़्यादा मोटर नहीं चल सकती, तो उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो डेल्टा S1 के अंदर 50 हर्ट्ज से लेके 400 हर्ट्ज तक हमें सेटिंग मिल जाती है इसकी। नॉर्मली इन्वर्टर के अंदर इतनी सेटिंग 400 हर्ट्ज तक सेटिंग नहीं मिलती। 50-60 हर्ट्ज तक जो नॉर्मल इन्वर्टर आते हैं उनमें 50-60 हर्ट्ज से ऊपर सेटिंग नहीं जाती। कुछ इन्वर्टर जिनमें 200 हर्ट्ज तक जाती है, कुछ में 400, और शनाइडर के भी कुछ हैं जिनमें 600 हर्ट्ज तक भी फ्रीक्वेंसी जाती है। और भी इन्वर्टर हैं लेटेस्ट सीरीज़ के जिनमें 600 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी हम ले जा सकते हैं, मोटर की स्पीड 600 हर्ट्ज तक कर सकते हैं। इसके अंदर 100 के अंदर हमें क्या चीज़ देखनी है, दिस पैरामीटर डिटरमाइन द एसी मोटर ड्राइव्स मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑल द एसी मोटर ड्राइव फ्रीक्वेंसी कमांड सोर्स। यहाँ कमांड सोर्स 0-10 वोल्ट जो हम वॉल्यूम या पोटेंशियल इस्तेमाल करेंगे उसके ज़रिए से हम फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। और यही हमारी फ्रीक्वेंसी जो हम सेट करेंगे वो तो पोटेंशियल के ज़रिए से उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं जाएगी। तो ये बड़ा आसान तरीका है, इसको अभी मैं प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको दिखा दूँगा तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। फिर इसका मिनिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, यानी हम देखते हैं कि हमारी जो इन्वर्टर है VFD है वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है, उससे नीचे ना जाए, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम उसको रख सकते हैं। हमारी बाज मशीन ऐसी हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी को दो सेटिंग पर हम मेन रख सकते हैं, बिल्कुल कम कर देंगे तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर आ जाएगी। पोटेंशियल के ज़रिए से या इस वॉल्यूम के ज़रिए से हम बिल्कुल कम कर देंगे तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर भी हम इसको सेट कर सकते हैं। नॉर्मली जो कंपनी की तरफ से डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 0 तक जाती है, मगर हम इसको फ्रीक्वेंसी को 10 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़, 30 हर्ट्ज़ तक भी सेट कर सकते हैं, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मगर इसके अंदर ये बता रहे हैं दिस पैरामीटर सेट्स द मिनिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी ड्राइव, दिस पैरामीटर मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी। मेरे पैरामीटर 103 जो मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी है उससे उसके बराबर होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। ये पैरामीटर 103 से हमारी फ्रीक्वेंसी ऊपर नहीं जा सकती। अगर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी को मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ऊपर करना है तो इस फ्रीक्वेंसी की सेटिंग को हमें मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी को हमें ज़्यादा करना होगा। तो जैसे कि हमने अभी वीडियो में भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, तो इसके बाद हमारे पास जो मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में बता देता हूँ। ये भी 1 हर्ट्ज से लेके 400 हर्ट्ज तक जा सकती है। दिस पैरामीटर सेट्स द मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कर्व विद दिस सेटिंग। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रेशियो बिटवीन मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी कैन बी डिटरमाइंड, दिस पैरामीटर मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर दैन मिनिमम आउटपुट। ये इक्वल या ग्रेटर दैन मिनिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, वह पैरामीटर 105 के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, उससे कम नहीं हो सकती है। और इक्वल और लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, और फिर ये इक्वल हो या कम हो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वोल्टेज पैरामीटर 101 के, इससे ज़्यादा भी नहीं जा सकती। तो ये सिंपल सी हमारी सेटिंग है, अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल के अंदर कि किस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हमारा लेसन है, ये आप जानते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लेसन है। तो इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया पैरामीटर 100 को हम सेट करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी सेट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज सेट है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। कम तो हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। अब हम चाहते हैं हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 70 सेट कर लें इस पर, तो 70 को सेट करने के लिए या 50 हम सेट कर लें, 50 से ऊपर ना जाए, तो हम पैरामीटर 100 के अंदर जाएंगे।
ये आप देख सकते हैं पैरामीटर 100 में 60 हर्ट्ज से सेट है। हम इसको 50 हर्ट्ज पे सेट कर देते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी 50 से ऊपर नहीं जाएगी। अब मैं इस पे सेट का बटन दबा देता हूँ और यहाँ पर मोड के बटन से बैक आता हूँ और रन का बटन दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं 50 हर्ट्ज पे हमारी सेटिंग सेट है। अब मैं इसको कम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी मोटर इसकी रफ्तार कम होते होते बिल्कुल ज़ीरो हो गई। और मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो हमारी जो मोटर है ये अपनी रफ्तार पर 50 हर्ट्ज से ऊपर नहीं जाएगी। तो आप देख सकते हैं 50 हर्ट्ज पे आ चुकी है और इससे ज़्यादा नहीं जा रही। तो हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज सेट की थी। बाज़ दफ़ा हमारी मोटर ज़्यादा स्पीड पे चलती है तो नुकसान होता है और बाज़ दफ़ा मशीन के अंदर हर्ट्ज ज़्यादा हमें चाहिए हो तो हमें ज़्यादा पे उसको सेट करना पड़ता है। तो इसलिए ये सेटिंग दी गई है इन्वर्टर के अंदर। तो इसी तरह मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर हम सेट करना चाहें, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए जैसे मैंने बताया 105 के पैरामीटर में जाएंगे, सेट का बटन दबाएंगे। आप देख सकते हैं 1.0 सेट है। मैं इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी इससे नीचे ना आए 33 सेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एरर पर आ रही है। अगर मैं 1.1 भी करता हूँ तो ये एरर पर यानी सेट नहीं हुई। ये एरर के आने का मतलब है हमारी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं हुई। तो यहाँ पर एक इशू आता है कि मिड फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है। तो मिड फ्रीक्वेंसी चूँकि जैसे मैंने बताया आपको 103 के अंदर है तो मिड फ्रीक्वेंसी 1.0 है तो इससे ऊपर हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं जाएगी कभी भी। तो हमें मिड फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करना पड़ेगा। मिड फ्रीक्वेंसी मैंने 24 कर दी, मैंने इसको सेट कर दिया। अब मैं 105 के अंदर जाता हूँ तो हमारी मिड फ्रीक्वेंसी हमें अब हम जितना भी कर लें ये सेट हो जाएगा। दोबारा सेट में जाता हूँ, 1.424 सेट था, ये सेट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।